अयूबिया टाउन समसानी रोड पर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोभा टाउन प्लानिंग ने डिप्टी डायरेक्टर अजहर अली और असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद उमर की निगरानी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया। कब्जा माफिया ने डिप्टी डायरेक्टर अजहर अली को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए उनका सर फाड़ दिया, जिस पर LDA की टीम को ऑपरेशन रोकना पड़ा। अजहर अली के मुताबिक कब्जा माफिया के सरगना मलिक हबीबुल्लाह खोकर ने बेटे खुरम हबीबुल्लाह खोकर से मिलकर तशद्दुद किया। इनका ये था कि इन्होंने एक घर का नक्शा पास करवा के 3-3 यूनिट बना रहे थे। मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर उमर ने इनको नोटिस किए हैं। आज हमने इनको कानूनी कार्रवाई करने के बाद गिराने के लिए आए हैं। इन्होंने गालियाँ देना शुरू कर दी हैं। मलिक हबीब और उसके जो बेटे हैं, जो क्या कहते हैं ना, 15-16 बंदे जो थे, वो मैं गाड़ी में बैठने लगा तो उन्होंने आके मुझे पकड़ लिया तो और मुझे मारना शुरू कर दिया। एक बंदे ने मेरे सर में डंडा मारा और क्या कहते हैं, जो भी उनसे होता था उन्होंने मुझे मारा है, ठीक है। मौके की पुलिस को मैंने फ़ोन किया, 15 को, इनके जो SI साहब हैं, मतलब लियाज साहब आए हैं, मैंने उन्हें कही ये 3 लोग हैं, उन्होंने मुझे मारा, इनको आप अरेस्ट करें। वो मौके की पुलिस ने कुछ नहीं किया। SHO जोहर टाउन आसिफ जुल्फकार के मुताबिक उन्होंने मलिक हबीबुल्ला खोखर, खुरम हबीबुल्ला खोखर को 4 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। नहीं, हमने मौके पे जो थे इनको हबीबुल्ला खोखर और उनका साथी है उसको हमने अरेस्ट कर लिया। अभी इनका मेडिकल कराते हैं और इंशाल्लाह कार्रवाई करते हैं उनके मुताबिक। जख्मी होने वाले डिप्टी डायरेक्टर अजहर अली को तिब्बी इमदाद के लिए जिन्ना अस्पताल भिजवा दिया गया। पुलिस के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर की जानिब से दी जाने वाली दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद इफ्तखार के साथ दुरे नयाब, सिटी 42।